विद्यार्थी मित्रों धोरण 6 विषय छे हिंदी भाग छे आपरो त्रीजो भाग छे आपरो त्रीजो तो एनी अंदर आपने पहला जे पहलो ने बीजो भाग जे होतो एनी अंदर आपरे पाठ समझाता सुबह जे पाठ हतो ए सुबह पाठ समझाता पहलो ने बीजा भागमा आजे आपरो जे त्रीजो भाग छे एनी अंदर आपरे एनो अभ्यास अध्याय जोई लईए तो जो अंदर पाना नंबर 39 अभ्यास में जो पहला प्रश्न कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए तो पहलू ज उदाहरण अंदर आप्यु छे कि मंडराना तो आकाश ने काले काले बादल मंडराने लगे बराबर ए रीतना बीजो शब्द छे बधा तो आप बधा नु वाक्य बनावानु कि हमारे रास्ते में बधाए तो आती रहेंगे तो यहां लखवानू के हमारे रास्ते में बधाए तो आती रहेंगे एवी रीतना बीजू छे उत्सुकता तो त्योहार होने के कारण अंदर लखवानु वाक्य त्योहार होने के कारण बच्चे बड़े उत्सुकता बच्चों में बड़ी उत्सुकता दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है एना पछी छे दृढ़ता तो रेशमा का रेशमा के दोनों पैर निकम्मे थे फिर भी उनका मन दृढ़ था कहीं लखवाना रेशमा के पैर निकम्मे थे लेकिन उसका मन दृढ़ था दृढ़ वाक्य छे बुजुर्ग तो बुजुर्ग नु वाक्य लखवानु हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए तो यहां लखवानु हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए क्या बच्चों व्यस्त तो त्योहार होने के कारण सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं ये इतना वाक्य लखवाओ त्योहार होने के कारण कारण सभी लोग अपने काम में अपने काम में व्यस्त है बराबर अभी इतना तुम्हारे बधाना वाक्य लखवाना रहेशे आपणे एक एक शब्द बधानु उत्सुकता दृढ़ता बुजुर्ग अने व्यस्त बधाना आपणे वाक्य बनाया तो एवी रीतना तमारे पण तमारी पाठकमां लखवाना त्यार पछी प्रश्नो बे छे के प्रश्नो के उत्तर दीजिए तो पहलो प्रश्न छे दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा तो क्यों कहा क्योंकि उस धमाकेदार धक्के से गोलू की जान बच गई थी उसे
बहुत जोर का धक्का लगा था, लेकिन फिर भी रेशमा ने उसने बूम पाड़ी। देख लेकिन क्या हुआ कि पटाखे की शोरगुल मतलब के आवाज से उसको सुनाई नहीं दिया, इसलिए उसने धक्का मारा। इसलिए वो धक्का हमेशा उठे उसे याद रहेगा। बीजो प्रश्न छे कि रेशमा की शारीरिक कमी उसकी इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, भाव समझाइए। तो क्यों उसके इरादे थे वो बाधा नहीं बनी? तो पोलियो के कारण रेशमा के जो पाव थे वो निकम्मे हो गए थे, कुछ काम नहीं करते थे, बेजान हो गए थे। लेकिन उसकी शारीरिक कमी के कारण उसकी हिम्मत में कोई कभी भी कमी नहीं आई। जैसे हमने अगली कक्षा में देखा था, वो पाठ था ना, वो जो पाव की वजह से उच्च वॉल्टर का पाठ था, वो भी पाव में उसको भी पोलियो हो गया था, वो भी विकलांग था, फिर भी उन्होंने विश्व विक्रम जीता था। वैसे ही वो भी अपनी कभी भी हिम्मत नहीं आया। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि बच्चा कभी चल अपने पैरों से चल फिरेगा नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत से काम किया और चलने भी लगे, उसके हर पैर चलने लगे, फिर उन्होंने विश्व विक्रम किया ऊंचे कूद के। वैसे ही रेशमा भी अपनी हिम्मत नहीं आई हारी थी, वो हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। तो एनो भाव आओ छे त्यार पछी छे यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप खाली जगह आपने शू करे आपने कक्षा में आपका धोरण में आपका वर्ग नी अंदर रेशमा ना जीवा बीजा कोई जेवी रेशमा ना पगे विकलांग हती एना बीजा कोई विद्यार्थी ने पण आवु थाय अने जो ए आपना क्लास में दाखल थाय एटले के आपना क्लास में आवी जाय तो आपने कई कई बातों नु ध्यान रखे। तो पहलू छे किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो वो हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा आ जाए दाखिला ले तो उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए और उसके प्रति हमदर्दी रखना चाहिए, उसका हर काम हमें करना चाहिए। किस तरह उसकी सहायता करेंगे? तो उसको कभी भी किसी भी काम की जरूरत है, यहाँ अरे कक्षा से बाहर निकलना हो का तो मैदान में जाना हो तो उस टाइम हम उसकी मदद करेंगे और उसकी जो कुर्सी होती है उसकी कुर्सी को धक्का लगाएंगे, उसके साथ रहेंगे, ऐसे हम सहायता करेंगे। त्रिजु जी विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो विद्यालय में हम आचार्य से निवेदन करेंगे कि शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। इसलिए हमारे विद्यालय में हम ऐसा परिवर्तन लाना चाहेंगे कि आचार्य से कहकर ऐसे कार्यक्रम रखें कि जैसे उसमें विकलांग लोग भी शामिल हो सके। चौथू से बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? तो बाकी बच्चों को भी हम ऐसे ही सलाह देंगे कि वो भी ऐसे विकलांग बच्चे हो या विकलांग कोई भी आदमी हो तो उसकी सेवा करे, उसको सहकार दे, उसको सहायता भी दे और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, उसकी हंसी खिली मत उड़ाइए। ऐसे हम दूसरे बच्चों को सलाह दे सकते हैं। त्यार पछी पाना नंबर 40 ऊपर जो सोच कर बताइए। तो पहलो प्रश्न छे मां दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? तो दीपावली का त्योहार होता है तो हमारे घर में पहले उस घर की साफ सफाई की जाती है, फिर घर में सूखे नाश्ते बनाए जाते हैं, मिठाइयां बनाई जाती है, कपड़े लाए नए कपड़े सिलाए जाते हैं का तो खरीदते हैं और पटाखे भी हम नए खरीदते हैं। तो
ऐसी तैयारियां हम करते हैं। बीजू छे, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, क्यों? तो दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए એટલે फटाके एम के फोड़वा જોઈએ कि नहीं फोड़वा જોઈએ? तो क्यों? तो नहीं छुड़ाने चाहिए, क्योंकि जो फटाके होते हैं उसकी आवाज से प्रदूषण होता है और उसकी आवाज बुजुर्ग लोगों को नहीं गमती या उनको भाती नहीं है, इसलिए हम फटाके छुड़ाने चाहिए એટલે છોડી દેવું જોઈએ, फटाका फोड़वाना नहीं। त्रीजू छे, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो, એટલે તમારા જીવનમાં કા તો તમારી સાથે કોઈ આવી ઘટના બની હોય તો એના વિશે તમારે તમારી જાતે લખવાનું છે, બરાબર? તો આ હતો આપણો ભાગ 3 કે જેની અંદર આપણે આખો અભ્યાસ જોઈ લીધો, હવે સ્વાધ્યાય છે આવતા ભાગમાં જોઈશું।